75 पैसे की मैंने पूरी देखी है अपनी दुकान पे। इसके ऊपर मसाला डाला हुआ है चटनी वाला, सुपर एक नंबर। अभी मैं हूँ मॉडल टाउन, बाबा दीप सिंह जी का जो गुरुद्वारा है पीछे आपके सामने नज़र आ रहा है, उसकी बिल्कुल बैक साइड पे ये एक पार्किंग है और यहाँ पे है एक बहुत ही बढ़िया पंडित जी की, यहाँ पे पूरी छोले मिलते हैं। चलिए मिलते हैं उनसे और देखते हैं क्या है यहाँ का आज का सीन। आज संडे है और काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग सारे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये बैठे हैं पंडित जी, पूछिए इनसे अगर हमसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या हाल है सर? ठीक हो? तो सर क्या बन रहा है आज? हमारे यहाँ पूरी बनती है। पूरी बनती है? देसी घी की पूरी। तो ट्राई करवाओगे सर आज? तो राजकुमार भैया भी हमारे साथ मौजूद है, संडे है काफ़ी रश है, फिर भी भैया को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। भैया पहले तो सॉरी यार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। भैया बहुत फेमस है आपकी पूरी पूरे लुधियाना में, इसका क्या राज है? और पहले ये बताओ कब से आप ये कर रहे हैं काम पूरी चने का? ये सर हमारा काफ़ी पुराना है, मतलब कि मैं चौथी पीढ़ी हूँ इस काम में। आप चौथी पीढ़ी हो? वेरी गुड। गुड़ मंडी चौड़े बाजार में, गुड़ मंडी के बिल्कुल सामने थी हमारी दुकान पंडित पृथ्वी पूरी, वहाँ पंडित पृथ्वी की हट्टी थी। पंडित पृथ्वी की हट्टी गुड़ मंडी चौड़े बाजार लुधियाना में? हाँ पुरानी, वहाँ से शुरुआत हुई है हमारी। तीन पीस है ये? तो अब हम मॉडल टाउन में हैं, यहाँ आपको 6-7 साल हो गए हैं। ठीक है। हाँ तो हमारे परदादा जी ने ये खोला था मतलब काम, उसके बाद हमारे दादाजी फिर पिताजी फिर हम मतलब चौथी जगह पे आ गए। ठीक है। हाँ उन्होंने शुरू से यही किया, देसी घी की बनाई है पूरी और हम भी वही बना रहे हैं, वही टेस्ट है, आलू चने पेटे की सब्जी है वही, मतलब जो तब था आज भी वही है सारा। आप कह रहे हो आप चौथी पीढ़ी चल रहे हो अभी? हाँ जी। तो क्या वो आपको पुराने दिन याद है कैसे हुआ करता था उस टाइम का सीन और अब कैसा है? कितने में आपने सबसे सस्ते जो आपने सुना हुआ है सबसे सस्ता? मैंने देखो जी सबसे सस्ता मतलब कि 75 पैसे की मैंने पूरी देखी है अपनी दुकान पे। आप देख लो आप 40 की हो गई है। इतना फर्क पड़ गया है। सीन जब उस टाइम पे कैसे हुआ करता था चौड़े बिहार में गुड़ मंडी में? वहाँ सीटिंग होती थी मतलब वहाँ पे, वहाँ जो हमारा जो काउंटर लगता था वहाँ सीटिंग पे होता था, बैठ के हम मतलब सारा कुछ सर्व करते थे, मतलब बैठे होते थे नीचे पट्टे पे जमीन पे बैठे। हाँ जमीन पे वो पट्टा लगा होता था लकड़ का, उसके ऊपर बैठे थे, आगे वो हलवे का थाल लगा होता था पीतल का बड़ा सा और इधर साइड में सब्जियाँ लगी होती थी। आपको याद अभी भी वो सारे दिन? हाँ तब लकड़ की भट्टी चलती थी, कोयले वाली भट्टी चलती थी, अब तो गैस आ गया है जी, अब तो सब कुछ स्टैंडर्ड का हो गया है, टाइम चेंज हो गया। पहले पत्ते पे देते थे सारा कुछ, मिक्स करके देते थे एक ही पत्ते पे सारा कुछ, अब कस्टमर की डिमांड है चने अलग आलू अलग और सारा कुछ अलग अलग चाहिए, लेकिन जो मिक्स का है वो टेस्ट वो वही है। हाँ ये हमने मतलब हमारे परदादा जी ने ये काम शुरू किया था, उन्हीं के नाम से चल रहा है पंडित पृथ्वी, उन्हीं का नाम था। आपके दादाजी का नाम? परदादा जी का। हाँ जी पंडित पृथ्वी। हाँ जी वाह। और जो हमारा ये काम है इतना पुराना है और जो हमारे कस्टमर हैं, कस्टमर भी हमारे ऐसे हैं जो मतलब दो दो तीन तीन पीढ़ी पुराने चल रहे हैं, मतलब जो मतलब उन्होंने भी आगे अपने बच्चों को भी हमारे पास लेके आए हैं पूरी खाने के लिए और वो आगे भी खिला रहे हैं। दो तीन जनरेशन से कस्टमर पक्के लगे हुए हैं? कई तो चार के भी हैं, कई तो मेरे जन्म से पहले के भी हैं, कई तो पांच जनरेशन के भी होंगे। हाँ जो मतलब हमारे दादाजी की बातें आगे बताते हैं। अच्छा। हाँ जिन्होंने। हाँ जी बिल्कुल। तो कस्टमर आपको आपके दादाजी की बात? हाँ मतलब बहुत पुराने हैं जो मतलब आप देखो ये ऋषि ढाबे वाले हैं ना, आपने सुना ही होगा नाम उनका, जो उनके पिताजी हैं वो मतलब हमारे दादाजी के परदादा जी के शिगिर्द थे, ये बात उन्होंने मुझे खुद आके बताई है ऋषि ढाबे, मैं तो जानता ही नहीं। तो गाइस कितना अच्छा लगता है जब आज हमें अपनी हिस्ट्री की, हमें तो पता भी नहीं चल रहा था कि, हमें तो ऐसे लग रहा था कि ऑनलाइन जोमेटो पे है या एक कुकर पे कोई नई सी दुकान है, क्योंकि ये मार्केट सारी जो पीछे देख रहे हैं तो बिल्कुल नई मार्केट है, शायद 10-15 साल पुरानी, इससे ज़्यादा पुरानी मार्केट नहीं है। और ये इतनी पुरानी बात है जब पता लगती है तो और भी मज़ा आता है। तो हमारा मतलब 100 साल से समझो ऊपर हो गया हमारा, 100 साल से 50 ईयर तो मेरी एज हो गई है, लेजेंड ही है सर मेरा। आलू की सब्जी है ये हींग वाले आलू? हाँ जी हींग वाले आलू हैं। और ये चने जो हैं भैया ये बिना अदरक उसके? हाँ जी बिना लहसुन प्याज के हैं। बिना लहसुन और प्याज? हाँ जी शुरू से ही हमारा ऐसा ही है, ऐसा ही चलता आ रहा है बिना। और ये क्या भैया? ये भी आलू की सब्जी है। अच्छा ये अच्छा ये बैठना है,
ये लोग बहुत लाइक करते हैं पेठे की सब्जी, जो मीठा पेठा होता है। हाँ जी हाँ जी। वाह, ये चटनी है और ये मूली का सलाद है, ये चटनी और ये लौंजी इसको बोलते हैं, ये काफ़ी मतलब अचार की तरह ही होती है एक तरह, ये भी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये आ चुकी है हमारी पूरी चने। अरे वाह, क्या मस्त फूली हुई पूरी है भैया, एक लस्सी भी देना। और ये है बिना प्याज और बिना गार्लिक के चने, और ये है हींग वाले आलू, साथ में है पेटा और मूली के साथ जो इनका कलवंजी वाला मसाला है, और ये साथ में आ गई लस्सी। तो दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, अब इसको ट्राई करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस। गाइस, आ चुकी है हमारी पूरी, पंडित जी की बहुत फेमस है और ऑलरेडी ये फोर्थ जनरेशन है। मुझे अभी ऑनेस्ट रिव्यू देने दो आपको कैसा है। सबसे पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ ये हींग वाले आलू, बिल्कुल सिंपल, टेस्टी, मज़ेदार, और हींग का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है इसमें, बहुत सही है। नाल चेक इस छोले जो बिना प्याज और गार्लिक के बने हुए हैं, दिखने में बहुत टेक्सचर इनका बहुत सही नज़र आ रहा है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, A1 क्वालिटी, मज़ेदार, बहुत टेस्टी है। और सबसे बढ़िया बात बताऊँ आपको, जो इनकी पूरी है ना, सुपर क्रिस्पी, बिल्कुल बढ़िया और आटे की बनी है। नाउ आई ट्राई दिस पेठा, मीठा पेठा है, पेठे की मीठी सब्जी है। इसमें सौंफ, मेथे, धनिया, खड़े मसाले इसमें नज़र आ रहे हैं। एक एक चीज एक से बढ़कर एक, और जिसकी मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है वो है ये मूलियां, इसके ऊपर मसाला डाला हुआ है चटनी वाला, सुपर, एक नंबर। तीनों की तीनों सब्जियां इतनी अमेजिंग और इतनी मज़ेदार है, समझ नहीं आ रहा कौन सी खाऊं, बहुत भूख लग रही है। Cheers to all।